मीठा वैसे किसे पसंद नहीं है, मेरा तो सबसे फेवरेट कोर्स वही है। आज बनाते हैं चावल की खीर। नमस्कार, मेरा नाम वरुण नामदार और आपका स्वागत है IFN हिंदी में। बढ़िया वाली चावल की खीर बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे इलायची के दाने। इसको हल्का सा हम कूट लेंगे। शुरुआत में मैं डालना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चावल में घुल मिल जाता है। इसे कर लेंगे थोड़ा सा क्रश। चलिए, ये हो गई इलायची हमारी कूट के तैयार। अब गरम करते हैं एक पैन और इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी, क्योंकि खीर में जो घी का स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। चलिए, तो सबसे पहले इलायची के दाने और इसी के साथ हम डालेंगे अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल, जिसे हमने भिगो लिया है। लेकिन भिगोने के पहले याद रहे उसे थोड़ा सा धो ले आप। और इसे अब हमें भूनना है करीब 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा खुशबूदार हो जाए ये चावल। इसमें अब हम डालेंगे करीब 1.25 लीटर दूध। वैसे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे भारत के अलग अलग प्रांतों में खीर या जो दूध का पायसम बनता है या पायस बनता है, वैसे नाम तो मैंने यहीं ले लिए हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात के घरों में, वैसे मैं गुजरात के घर से हूँ और वहाँ पर हम इसे कहते हैं दूध पाक। और ये अब अच्छी तरह से उबलेगा, हल्का फुल्का सा रिड्यूस होगा, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि चावल का जो दाना है वो अच्छी तरह से 100% पक जाना चाहिए। और इसी के साथ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे केसर। कर लेंगे इसे स्टर और इसे पकना है अब 15 से 20 मिनट तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है दूध पर नहीं, चावल के दानों पर। चावल का दाना जो है, मैंने पहले भी कहा है, 100% कुक हो जाना चाहिए। चलिए, अंदाजे 20 मिनट हो चुके हैं और चावल का जो दाना है वो अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें अब मीठा और गाढ़ा करने के लिए हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे चीनी, बिकॉज खीर है तो मीठा तो चाहिए कि नहीं। चलिए, इसे करते हैं मिक्स और जब तक कि ये उबलता है और करीब 5 मिनट के लिए, एक छोटी सी तड़का दानी या तड़का पैन और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। ये हल्का सा जब गर्म हो जाए या गर्म होना बस शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे किशमिश। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ब्लांच्ड और स्लाइस किए हुए बादाम के टुकड़े और इसको हल्का हम कर लेंगे सुनहरा। और जैसे ही आप देखें कि किशमिश फूलना शुरू हो जाए, हम ट्रांसफर कर लेंगे इसे हमारे खीर में। एक कर लेंगे इसे फाइनल स्टर, लेकिन फ्लेम ऑफ करने के पहले हम इसमें एक और फ्लेवर का इस्तेमाल करेंगे और वो है गुलाब जल। और इसी के साथ हमारी बढ़िया स्वादिष्ट 1 पॉट चावल की खीर तैयार हो चुकी है। हे गाइस, दिस इज वरुण नामदार और आपका स्वागत है IFN हिंदी में। आज बनाते हैं एक बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी, जिसका नाम है वेजिटेबल तहरी। वेजिटेबल तहरी की शुरुआत करते हैं बिरयानी राइस के साथ। उसी तरह हम पकाएंगे जिस तरह हम पकाते हैं बिरयानी के चावल। वैसे तहरी को तहरी कहा जाता है, बिरयानी नहीं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं सब्जेक्ट को लेके। बट ठीक है, खाना है, खाने के साथ इमोशंस अटैच्ड होते हैं और उसका मान सम्मान तो रखना ही चाहिए। चलिए, हमने इसके लिए अच्छे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरह से धो लेना है और इसे 20 मिनट आप भिगो के रखें अगर समय हो तो। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हम ले लेंगे दालचीनी 1 से 2 इंच और इसी के साथ हम ले लेंगे तेज पत्ता। डाल देंगे इसमें थोड़ा सा घी, इसके साथ नमक और इसी के साथ हम कलर और टेस्ट के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे कर लेते हैं स्टर और अब चावल को हमें पकाना है तब तक जब तक ये 3/4 पक ना जाए। 7 मिनट हो चुके हैं, पानी में अच्छा उबाल आ चुका है। अब जो अगली स्टेप है बिरयानी राइस की, वो है इस चावल को अच्छी तरह से ड्रेन करना। अब क्योंकि ये 1 पॉट रेसिपी है, हम इसी पॉट का इस्तेमाल करेंगे और इसे फिर एक बार हमें करना है गरम और इसमें हम डालेंगे देसी घी। एक बार गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे तेज पत्ते
और इसी के साथ हम थोड़ा सा अलग करेंगे इसे। हम इसमें डालेंगे मसूर, जिसे हमें भिगोकर हमें उसे स्प्राउट कर लेना है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मूंग। चलिए इसे हल्का सा कर लेंगे स्टर फ्राई, और इसी के साथ हम उसमें डालेंगे कटे हुए वेजिटेबल्स। इसमें है कॉलीफ्लावर, पोटैटोस, फ्रेंच बीन्स, कैरेट्स और ग्रीन पीस। और अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पाउडर स्पाइसेस, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप अगर चाहे तो इसे चावल पकाते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस समय डालें। और इसी के साथ हम डालेंगे स्लाइस किया हुआ टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे दही, घर का बना ताजा दही, और इसी के साथ फ्लेवर के लिए हम डालेंगे फ्राइड अनियंस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब इसमें हम डालेंगे चावल का पानी आधा कप, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है वो है दालचीनी का, घी का और हल्दी का। अब फ्लेम कर लेते हैं हाई, और इसे कवर करके अब कुक करना है तब तक कि ये तीन चौथाई ना पक जाए। सब्जियां जो है चेक कर लेते हैं, तीन चौथाई पक चुकी होनी चाहिए। इस स्टेज पर आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा जो पानी है वो अब भी बरकरार है। उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे ड्रेन्ड चावल। इसे अब हमें दबाना नहीं है, हल्के हाथ से बस इसे स्प्रेड करना है, और इसके ऊपर फाइनली हम डालेंगे केसर और उसके साथ फ्राइड अनियंस। अब आपको धीमी आंच पर इसको पकाना है 8 से 10 मिनट तक। सब्जियां अच्छी तरह से पक जाए, चावल पूरी तरह से पक जाए, और आपकी वेजिटेबल तहरी जो है वो पककर तैयार हो जाएगी। चलिए तो इसी के साथ हमारे मजेदार पीले चावल की वेजिटेबल तहरी तैयार हो चुकी है। तहरी तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जरूर ट्राई करें। हे गाइस, दिस इज वरुण इनामदार और आपका स्वागत है IFN हिंदी में। आज देखते हैं बहुत ही झटपट बनने वाली वन पॉट चिकन बिरयानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके चावल के पकने से, जिसके लिए हम लेंगे पानी। अब पानी कितना ले हम, तो पानी आपका जितना चावल हो उसका 3 गुना आपको पानी लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, इसी के साथ थोड़ा फ्लेवर और बढ़ाएंगे, और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। अगर आप ये रेसिपी ध्यान से देखें तो हमने इसमें बिल्कुल खड़े मसाले जो होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इसी के साथ फ्राइड अनियन, आजकल वैसे बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, इसे कर लेते हैं स्टर। और इसी के साथ एक और इन्ग्रीडियंट जो फ्लेवर जो है चावल का वो खुल के बाहर निकालता है, और वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से स्टर। इस पे लगा देंगे एक ढक्कन, और पानी के उबलने का अब करते हैं इंतज़ार। चावल के पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, चेक कर लेते हैं, और इसमें अब ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे भिगोए हुए चावल। इसे हल्के हाथों से हम करेंगे स्टर, और हाई फ्लेम पर हमें 7 मिनट अब इसे पकाना है। अब पकाए तो कितना पकाए, 3/4 तक दाना जो है वो पक जाना चाहिए, और 1/4 कच्चा छोड़ना है। 7-8 मिनट हो चुके हैं लगभग, चावल का जो दाना है वो अच्छी तरह से खिल चुका है और 3/4 पक चुका है। गैस कर लेंगे बंद, और इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक छन्नी या कोलाइंडर में। अब जो हमारा पैन है वो फिर रख देंगे हम फ्लेम पर, और इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे चिकन के पीसेस, और इसी के साथ अब हम इसे क्विकली मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे दही, और इसी के साथ हम लेंगे इसमें फ्राइड अनियन, इसी के साथ धनिए के पत्ते, धनिया है बारीक कटा हुआ है, और इसी के साथ हम ले लेंगे पुदीने के पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन, और इसी के साथ पाउडर मसाले, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, इसी के साथ हल्दी पाउडर, और फाइनली हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब ऑन कर लेंगे हमारा गैस, और इसी के साथ हम डालेंगे उसमें देसी घी, और इसमें आप बिल्कुल पानी ना डालें, चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से मसालों में लिपट चुका है। इसे अब हमें कवर करना है जब तक ये 3/4 कुक ना हो जाए, और इसे लगेगा 12 मिनट।
12 मिनट अंदाजे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारा चिकन। इसमें अब हम डालेंगे जो हमने चावल का पानी साइड में रखा था, हम ये डालेंगे करीब आधा कप, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से हमारा गलना शुरू हो जाए। और इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे 3/4 पके हुए चावल, इसके ऊपर लेयर कर दे और इसे बिल्कुल ना दबाए, इसे हल्के हाथ से बस ऐसे फैला दे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हमारा फ्राइड अनियन और उसी के साथ फ्राइड काजू। आखिरी कुछ दो फ्लेवर्स बाकी है। सबसे पहला जो फ्लेवर है उसमें वो है केसर। केसर को हमने हल्के गुनगुने दूध में भिगो के रखा है। और फाइनली इसमें हम डालेंगे चुटकी भर गरम मसाला। इसको अब हम कर देंगे कवर और इसे हाई फ्लेम पर हमें कुक करना है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फ्लेम को सिम कर दे, धीमा कर दे और 15 मिनट आराम से पकने दे। दम में हमारी बिरयानी पक चुकी है। फ्लेम कर लेते हैं ऑफ और चेक करते हैं बिरयानी। दाने अच्छे खिले हुए हैं। हल्के हाथ से इसे हम इस तरह से हिला लेंगे और इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे हमारे सर्विंग डिश में। ऐसे ही